नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अंतराज क्रिएशन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको मूली के पराठे दो तरीके से बनाना बताऊंगी कि आप किस तरह से इनको बना सकते हैं। एक तो बरवा बनाऊंगी, ये है मेथी और ये मूली। हम मूली को धोकर साफ कर लेंगे और इसको इसमें कद्दूकस की सहायता से इस तरह से कस लेंगे। ये देखिए मैंने कस कर तैयार कर लिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको इस तरह से कस लिया है। आप चाहे तो इसको हल्का बॉयल भी कर सकते हैं, बट मुझे कच्चा ही पसंद है। मैं इसको, ये मेथी है, मैंने मेथी को भी कट करके रख लिया है। मैं मूली और मेथी को मिक्स करके आटे में गूंथ करके बनाऊंगी। उसमें आप नमक मिर्च हल्दी आप भी बाकी अपनी स्वाद के अनुसार डालेंगे और इसको गूंथ करके तैयार कर दूंगी। पहला मैं पराठा बनाऊंगी आपको आटे में मिक्स करके बनाना। ये हमारी मेथी है, ये हमारी मूली है। इसको हम इस तरह से दबा कर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जैसे हम आटा गूंथते हैं तो अगर इसमें पानी ज्यादा रहेगा तो ये गीला भी हो सकता है। गीला ना हो इसके लिए इसको दोनों तरह से ऐसे दबा करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और इस तरह से इसमें मैं कटी हुई हरी मिर्ची डाल दूंगी। ये मैंने महीन महीन कट करके रखी हुई है। और नमक स्वाद अनुसार, ये सब आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। जैसे आपको ज्यादा मूली पसंद है तो आप ज्यादा मूली ऐड कर सकते हैं आटे में। हल्का सा इसमें लाल मिर्च भी डाल देंगे और हल्दी हो गई, थोड़ा सा कलर आ जाएगा, और नमक। जैसे किसी को चटपटा ज्यादा पसंद होता है, किसी को कम पसंद होता है, तो आप उसमें अपने हिसाब से कम ज्यादा ऐड कर सकते हैं मसाले। बाकी इसमें आपको कुछ और भी ऐड करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए ये जो हमने मूली को निचोड़ने के बाद जो पानी बचा था इसको फेंकेंगे नहीं, इसी से फिर दोबारा हम गूंदेंगे। इसको ज्यादा गीला नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर बाद में फिर गीला हो जाता है तो फिर बेलने में दिक्कत होती है। इसलिए इसको टाइट टाइट इसलिए मैंने निचोड़ लिया था कि कहीं गीला ना हो जाए। और पानी जो बचता है उसको हम दोबारा से फिर यूज कर लेंगे। इसको टाइट टाइट गूंद लेंगे। तो ज्यादा गीला नहीं गूंदेंगे, टाइट टाइट, ताकि बेलते समय फिर वो दिक्कत ना हो, चिपक जाता है नहीं तो आटा। तो अब हम ये दूसरे तरीके से सीखेंगे, जो भरवा मूली के पराठे बनाना सीखेंगे। देखिए पहले हमने जीरे का तड़का लगा लिया, फिर मूली का जो हमने कस के रखी थी उसको हम टाइट करके, मतलब खूब जोर से उसको पानी उसका निकाल लेंगे, निचोड़ करके उसका, ताकि उसमें पानी बिल्कुल ना रहे। और इसको फिर इसमें छौंक लगा देंगे। देखिए सारा उसमें फ्राई कर लेंगे उसे, उससे खूब सारे मसाले वगैरह भी मिक्स कर देंगे। और थोड़ा हरा धनिया भी मैं ऐड कर दूंगी इसमें, इस तरह से इसको भून लेंगे। ये देखिए थोड़ा हरा धनिया मैंने मिक्स कर लिया इसमें। और इसको इतना वो करना है, हमें पकाना है कि जिससे इसका पानी बिल्कुल ना रहे, इसमें पानी सूख जाए। और हम इसमें थोड़ा महीन कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर लेंगे, फिर इसको मिक्स कर लेंगे।
इसमें आप स्वाद के अनुसार नमक मिला लेंगे और फिर उसको मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा इसमें हल्दी भी मिक्स कर लेंगे। ये हमारा ठंडा हो चुका है, इसको मैं इस तरह से भर लूंगी। जैसे मैंने ये इसको हल्का सा पकाने के बाद में यूज कर रही हूँ, अगर चाहें तो आप कच्चा भी मूली को जैसे कस के उसमें कच्ची मूली में ही ये धनिया हरी मिर्च मसाले वगैरह डाल के ऐसे भी बना सकते हैं। ये थोड़ा सा इसे थोड़ा मूली पक जाती है तो उसका टेस्ट अलग आता है, कच्चे मूली का बनाएंगे तो उसका टेस्ट अलग आता है। इसको आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये देखिए हमारे दोस्तों, ये मूली के भरवा पराठे बिल्कुल तैयार है। देखिए किस तरह से, देखिए ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने स्वादिष्ट लगते हैं। आप इनको चटनी के साथ खाइए, या बटर के साथ खाइए, या अचार के साथ खाइए, या ऐसे ही चाय के साथ खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, आप एक बार इनको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। तो दोस्तों आज के मेरे इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।